पूरी मिलेगी ना आदि पाओगे। पूरी तो मिलने से रही और आदि है वो भी गमा बैठोगे। तो भगवान ने कम दिया है तो कम में ही खुश रहना है और ज्यादा दिया हो तो ज्यादा में भी खुश रहना है। कभी दान नहीं कर सकते, जो कभी खर्च नहीं कर सकते, ये तो हम सब जानते हैं। चाहे कितने भी कमा लो हीरा चाहे मोती, लेकिन याद रखना कफन के अंदर कभी जेब नहीं होती है। शमशान में ले जाते समय अगर दो चार पैसे जेब में पड़े होते हैं ना तो लोग उनको भी निकाल लेते हैं। ऐसी माया है। शमशान में ले जाते हैं सोना चांदी नाक कान में पड़ा हो वो भी निकाल लिया जाता है। तो ये सच है कि जब हम दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो कानी कौड़ी भी साथ में नहीं जाएगी। एक बड़ा अच्छा प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगी जिसे सुन के मालूम पड़ेगा कि सच में जब दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। क्या लेकर के आया बंधे, क्या लेकर के जाएगा, और मिट्टी का एक खिलौना तू मिट्टी में मिल जाएगा। अहंकार में तीनों गए बल विवेक और वंश, किसी ने लिखा था। अहंकार में तीनों गए बल विवेक और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, अरबों मन सोना लगा था लंक की दीवार में। अरबों मन सोना लगा था लंक की दीवार में, एक रति सोना न गया रावण की मर्दी वार में। सर्व सोने की लंका थी लेकिन एक रति भी सोना रावण की मर्दी वार में नहीं गया। वो तो इसी बात पे घमंड करता कि मैं सोने की लंका में रहता, मेरे पास सोने की लंका है। एक बड़ा अच्छा प्रसंग, इस भारत देश की धरती पर एक बहुत बड़ा शासक पैदा हुआ, नाम है सिकंदर। सिकंदर का तो नाम सुनाई होगा आपने, नाम था सिकंदर। और सिकंदर इतना धन का लालची था, इतना ये लोभी था कि कभी भी ये एक रुपया भी खर्च नहीं करता था, इतना लोभी था ये। और तो छोड़ो अपनी प्रजा से ये कर लिया करता था, अपनी प्रजा से सोना चांदी लिया करता था और अपने खजाने में भरता रहता था। किसी को भी ये कुछ नहीं देता था, उतना ही देता था जिससे कि उनका पेट भर सके, बस और कुछ नहीं। फिर भी इस सिकंदर को सब्र न हुआ, इसको संतुष्टि नहीं मिली, इसको भरोसा नहीं हुआ और ये सोच रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नगर के लोगों ने मुझसे धन छुपा के घर में रख तो नहीं लिया। अब मैं घरों में जाके तो नहीं देख सकता।
सकता हूं ना, तो शायद मुझसे किसी ने धन छुपा के अपने घर में रख लिया हो। तो ये देखने के लिए सिकंदर ने क्या किया, एक खिलौना बनवाया। एक खिलौना बनवाया और वो खिलौना इतना सुंदर उसे सजाया और अपने नगर में भेज दिया और बोले कि इस खिलौने को ले जाओ, सारे नगर में घुमाना और कोई भी इसे खरीद ले तो उसे मेरे पास में लेकर के आना। क्यों? अगर कोई भी इसे खरीद लेगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसने हमसे धन छुपा करके रखा होगा, ले जाओ उसे, और कोई खरीद ले तो उसे हमारे पास में लेके आना। उस खिलौने को लेकर के पहुंच गए नगर में। याद रखना, सारे दिन वो खिलौना नगर में घुमाया लेकिन किसी ने भी उस खिलौने को खरीद ना पाया, क्योंकि सिकंदर ने किसी के पास में कुछ भी छोड़ा नहीं था, कुछ था ही नहीं लोगों के पास। जब शाम होने को आई है तो एक माँ का छोटा सा बेटा रोने लगा, चिल्लाने लगा, मैया हमको ये खिलौना चाहिए। और बच्चा अगर हट कर जाए कि हम चंद्र खिलौना लेंगे तो फिर ले ले, तो उसे पानी में चंद्र खिलौना दिखाना पड़ता है उसे, तब उसे विश्वास होता है। तो वो बेटा रोने लगा, बोला मैया हमें ये खिलौना चाहिए, हमको ये खिलौना दिलवाओ। माँ कहती है बेटा कैसे दिलवाऊं, कुछ घर में नहीं है और सिकंदर ने घर में कुछ छोड़ा नहीं है, तुझे खिलौना मैं कहां से दिलवा दूं। रोते रोते वो बेटा सो गया तो वो मां आधी रात के समय विचार करती है, पति नहीं था उसका, माताएं ध्यान देंगे, बातें नहीं करे कोई भी, थोड़ा शांति से, पति नहीं था उसका और उसका बेटा तो सो गया, तो उस मां ने विचार किया कि घर में तो कुछ है ही नहीं है। तो इस मां को याद आता है कि जब मेरे पति का अंत हुआ था और जब मेरे पति को लोग शमशान में लेकर के जा रहे थे तो मेरे पति के मुख में कुछ सोने चांदी के सिक्के डाले थे। अच्छा, कोई मर जाता है तो उसके मुख में डालते नहीं सोना चांदी, डालते हैं ना थोड़ा बहुत जो भी होता है। तो उस मां को वही याद आया कि मेरे पति के मुख में सोने चांदी के सिक्के डाले थे, मैं जाऊंगी और वो सिक्के लेकर के आऊंगी। रात्रि के 12 बजे वो मां वहां जाके पहुंची है जहां उसके पति को दफनाया गया था, जहां उसके पति को दफनाया गया था। और उस मां ने क्या किया, हाथों से मिट्टी को हटाने लगी है। हाथों से मिट्टी हटाई है तो देखती है कि काया तो मिट्टी में मिल गई थी, काया तो शरीर तो मिट्टी में मिल गया था, लेकिन जो सोने चांदी के सिक्के जो उसके पति के मुख में डाले थे वो उसे मिल गए। और वो मां उसमें से सोने चांदी के सिक्के निकाल के लाती है
और खिलौने वाले को दे दिए, बोले भैया ये सिक्के ले लो और ये खिलौना हमारे बेटा को दे दो। ये होती है माँ। माँ तो आखिर माँ होती है, उनसे पूछो जिनकी नहीं माँ होती है। ऐसी ममता भरी माँ का भी दिल दुखा देते हैं लोग, और सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं। अब उस माँ ने खिलौना खरीद लिया, सिकंदर को मालूम पड़ा कि खिलौना खरीद लिया। किसने खरीदा उसे मेरे दरबार में लेकर के आओ। मां पहुंची सिकंदर के दरबार में। सिकंदर बोला क्यों री बुढ़िया, तूने बड़ा पाप किया है, मेरे लाख मना करने पर भी तूने और अपने घर में धन छुपा के रख लिया। मां कहती है महाराज मैंने कोई धन नहीं छुपाया। सिकंदर ने कहा फिर झूठ बोलती है, जब तूने कोई धन छुपाया नहीं तो इतने सिक्के कहां से ले आई तू। और ये भैया अंकित बघेल जी की ओर से ये हमको सम्मानित किया है, भगवान से सुवासीर्वाद की कामनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो वो मां कहती है कि मैंने कोई धन छुपाया नहीं। सिकंदर ने कहा कि धन कोई छुपाया नहीं तो इतने सिक्के तू कहां से लेकर आई। बुढ़िया कहती है कि मैं अपने मरे हुए पति के मुख में से वो सिक्के निकाल करके लाई हूं। और ये हमारे भैया पालू भैया जी की ओर से इसी ग्राम निवासी ये हमको सम्मानित किया है, भगवान से शुभ आशीर्वाद की कामनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो बुढ़िया ने क्या कहा कि मैं अपने मरे हुए पति के मुख में से सोना चांदी निकाल के लाई थी। सिकंदर ने सुना कि मरे हुए पति के मुख में और इतने चांदी के सिक्के, इसके मरे हुए पति के मुख में इतने सोने चांदी के सिक्के, तो सिकंदर का दिमाग ठनक गया और ये सोचने लगा कि जिसके एक पति के मुख में इतना सोना चांदी निकला तो यहां तो इस जमीन में कितने लोग दबे हैं और पता नहीं इस मिट्टी में कितना सोना चांदी दबा होगा। तो याद रखना सिकंदर ने धन के लालच में गड़े हुए लोगों को भी उखड़वा दिया, गड़े हुए लोगों को भी उखड़वा दिया। उखड़वा उखड़वा कर धन दौलत निकाल निकाल के और अपने खजाने में बंद कर दिया। और ये माननीय श्री लायक राम जी की ओर से 501 पुत्राओं से सम्मान किया। तो याद रखना ये सिकंदर ने मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ा। अब तुम समझ लो कितना धन का ये लालची होगा। जिंदा की आस की जाती है, मरे की आस नहीं की जाती। लेकिन सिकंदर ने मरे हुए लोगों को भी, जमीन में गड़े हुए लोगों को भी उखड़वा दिया।
और उनके मुख में से भी सोना चांदी निकाल लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सिकंदर का अंत समय आया। अब वो तो सबका ही आना, उस समय से तो कोई बच ही नहीं सकता है। काल बड़ा ईमान है, बिन आई नहीं ले, और आ जावे जो गैल में तो घरे जान नहीं दे। बड़ा ईमानदार है। सिकंदर का अंत समय आया, यमराज के दूत इसको लेने आ गए। और कहा कि चलो महाराज, अब समय तुम्हारा पूरा हो गया। सिकंदर बोला कि तुम पागल हो क्यों? अरे भाई, मैं बड़ा धनवान और सेठ आदमी हूं, और मैं इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाऊंगा। यमराज के दूत कहने लगे, क्यों नहीं जाओगे? बोला कि क्योंकि मैं बहुत पैसे वाला हूं, बहुत दौलत है मेरे पास। यमराज के दूतों ने कहा कि दौलत है तो क्या तुम जाओगे नहीं? बोले बिल्कुल नहीं जा सकता। और यमराज के दूतों से बोला, तुम्हें धन दौलत चाहिए तो तुम भी ले लो, लेकिन हमको छोड़ दीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। यमराज के दूतों ने कहा, आपको अभी इसी वक्त मेरे साथ में चलना पड़ेगा। सिकंदर ने कहा, क्या थोड़ा सा धन लेकर मेरा समय बढ़ाया नहीं जा सकता? यमराज के दूत कहते हैं, एक पल भी इधर से उधर नहीं हो सकती है, अभी इसी वक्त चलो मेरे साथ। अब सिकंदर को याद आया, अब सिकंदर ने अपना दिमाग लगाया कि इसका मतलब मैं इतना पागल था, अपनी प्रजा को यूं ही कष्ट देता रहा। मुझे क्या मालूम था कि एक दिन दुनिया को छोड़ के मुझे भी जाना है। अब इसको पछतावा हो रहा है, ये सोच रहा है, लेकिन अब सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। अब चिल्लाए का होई जब चिड़िया चुग गई खेत। अब चिल्लाने से कुछ नहीं होता। तो सिकंदर ने कहा कि मैं मर तो जाऊंगा, लेकिन मैं मर जाऊं तो एक काम करना, जब लोग मुझे शमशान के लिए लेकर जाएं, तो एक काम कर देना कि मेरे हाथ अर्थी से दोनों इस तरह से बाहर निकाल देना, हाथ अर्थी से इस तरह से बाहर निकाल देना, क्योंकि मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं, मैं दुनिया वालों को दिखाना चाहता हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति भी इस दुनिया से कानी कौड़ी भी नहीं ले लेता। सिकंदर का अंत हुआ, लोग शमशान के लिए लेकर जा रहे हैं, और दोनों हाथ अर्थी से इस तरह से बाहर निकाल दिए। इसीलिए कहा, क्या क्या जुल्म ढाते हो इस छोटी सी जिंदगानी पर, क्या क्या जुल्म ढाते हो इस छोटी सी जिंदगानी पर, पत्थर का किला बनाते हो लोहे का पानी पर। अरे जरा अंजाम तो सोचो, गौरी मोहब्बत इस्लाम वाली थे, और सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, कुछ नहीं था हाथों में। धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब पूंछ का दिन आएगा। नारी भी तेरा साथ देगी केवल घर के द्वार तक, बंधु बांधव ले जाएंगे तुझे शमशान तक। तेरी देह को जलाकर हर व्यक्ति लौट आएगा, पर धर्म ही परलोक में बस साथ तेरे जाएगा। धनानि भूमो पश्वस्ति गोस्ते नारी ग्रह द्वारे जना शमशाने, देहा चितायाम परलोक मार्गे धर्मान गच्छत जीव एक। घर की माताएं हमें घर की देहरी तक विदा करती हैं,
हमारे परिवारी जन लोग हमें शमशान तक छोड़ के आते हैं, हमारा बेटा चिता तक साथ देता है, ये शरीर भी उसी चिता में जलकर के राख हो जाता है। उसके बाद में केवल एक धर्म ही है जो हमारे तुम्हारे सबके साथ में जाता है, केवल धर्म है। बड़ी अफसोस की बात है, घर में गृह प्रवेश हो तो उसके लिए मुहूर्त, शादी हो तो मुहूर्त, कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो उसके लिए मुहूर्त, हर चीज के लिए मुहूर्त है। और जब व्यक्ति दुनिया को छोड़ के जाता है, अब नहीं जाते पंडित जी के पास कि अब कोई मुहूर्त निकालो, इसका दाह संस्कार करना है। सत्य तो यही है कि हमारे तुम्हारे लिए तो कोई मुहूर्त ही नहीं है, कोई